रहा खुली हवा का झोंका, सोचो कौन कर रहा है किसके साथ धोखा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पर्यावरण की, और अगर पर्यावरण की बात होती है तो सबसे पहले उसमें आता है प्रदूषण। आज हम खड़े हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, जो कि दिल्ली में है, और यहाँ पे दिल्ली के बारे में अगर बात करें तो दिल्ली 5वें स्थान पे पूरे विश्व में सबसे प्रदूषित स्थान पे आती है। और दिल्ली दिन पे दिन गैस चैम्बर में बदलती जा रही है, जहाँ पे लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। तो आइए जानते हैं प्रोफेसर खालिद से कि उनका इस पे क्या कहना है। हेलो सर, आपका नेम? प्रोफेसर एमए खालिद। ओके सर, तो जैसे कि आप एक नया प्रोग्राम हमारे भारत के लिए लॉन्च कर रहे हैं, तो इसके लिए मेरे आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे कि सर आप ये बताइए कि अब ये लॉन्च हो रहा है, तो इससे पहले के उसमें कंपेयर में अब क्या क्या हमारे उसके लिए स्वच्छता के लिए क्या क्या एडवांटेजेस हैं इसके? देखिए, ये जैसा कि बताया कि लोगों के माध्यम से और कई संस्थाओं और जिसमें सबकी भागीदारी है, ये इतना बड़े लेवल पर पहला प्रोग्राम है। भारत सरकार अपने प्रोग्राम हमेशा करती रही है, और वो ग्रीन इंडिया मिशन और बहुत सारे प्रोग्राम हर राज्य हर साल करते रहते हैं, लेकिन इसमें जो हमारा रोड मैप है उसमें पहली बार इतने बड़े लेवल पे लोगों को जोड़ने का जो है वो अलग है। क्योंकि जितने भी सरकारी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें उनका भी मिशन होता है, लेकिन थोड़ा सा लिमिटेशंस होती हैं। मगर जब ये जन जागरण का प्रोग्राम हो जाएगा, लोगों का प्रोग्राम होगा, तो हमारी उम्मीद है कि ये बहुत बड़े लेवल पर होगा। और जो दूसरा लक्ष्य है जो हमने रखा, हमें पता है आसान नहीं है, बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन अगर ये पूरा हो सका तो इससे जो है पूरी जलवायु परिवर्तन में बहुत बदलाव देखेंगे। आप देख रहे हैं बारिश की अनसर्टेनिटी हो रही है, और जो है हमारी मृदा का क्षरण हो रहा है, पानियों के सोर्स जो ख़राब हो रहे हैं। तो अगर इतने बड़े लेवल पर पेड़ लग गए तो आपका जो है वो सॉयल कंजर्वेशन है, पानी के जो है वो प्रिसिपिटेशन, इन सब चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा, पानी का स्वच्छता आएगी। तो सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं देगा, सिर्फ हमारे प्रदूषण को कम नहीं करेगा, लेकिन हमारे जो संसाधन हैं उनको रिस्टोर करने का ये काम करेगा। और सर, जैसे कि हमने देखा है छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए स्कूल में अलग अलग प्रोग्राम लॉन्च किए जाते हैं कि अब ये उन्हें हर एक चीज़ की शिक्षा दी जाती है। आपको नहीं लगता कि आप बच्चों को स्वच्छता से भी रिगार्डिंग शिक्षा देनी चाहिए कि वो कुछ भी खाने के बाद उसका जो कूड़ा कचरा होता है वो जमीन ना फेंकें, या तो अपनी पॉकेट में रखें या तो डस्टबिन में रखें? तो इसके लिए आप लोग स्कूलों में भी विद्यालयों में भी आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल होगा, क्योंकि अब जैसा कि अब हमारी पहुँच करीब करीब भारत के 108 राज्य जो सिटी में जहाँ पे हमारा प्रोग्राम है उनके स्कूलों में, उनके विश्वविद्यालयों में, उनके कॉलेजेस में पहुँचेंगे। और जो आपने बोला है प्रदूषण को रोकने का, तो पहला ही जिसे बोलते हैं लेसन होगा। और ऐसा नहीं है कि दिया नहीं जाता है, लेकिन ये है कि इस मैसिव लेवल पे अगर ये पहुँचाए, और आज की हम तो अपनी नई जनरेशन को धन्यवाद देते हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि वो हम बहुत ज़्यादा कंसर्न हो रहे हैं, क्योंकि अब उनकी ज़िंदगी जो खतरे में है और आने वाली नस्लों की ज़िंदगी, तो इसका एहसास होना शुरू हो गया है। और स्वच्छता के जो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, अगर उस लेवल पे हमारे ग्राउंड लेवल पे हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, हर स्कूल इसको अपना प्राथमिकता दे करके चलाए, तो मेरे ख्याल से हमें देश के लेवल पे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और सर, जैसे कि आपने देखा, जैसे जो मिशन्स होते हैं स्टार्ट होते हैं, लेकिन इनमें से बहुत कम मिशन अपने सक्सेस को अचीव कर पाते हैं। लेकिन तो फिर अब जैसे इससे पहले हुआ था कि जो पॉलिथीन बैग्स थे इन पे बैन लग गया था, पुलिस ने जगह जगह पे छापेमारी की थी, लेकिन कुछ समय बाद ही, कुछ समय क्या, आप देखेंगे तो एक महीने के अंदर ही अंदर पॉलीबैग्स दोबारा से बेचनी शुरू हो गई, दोबारा से यूज़ में आनी शुरू हो गई। तो आपको नहीं लगता कि क्या पुलिस ध्यान नहीं देती है, या सरकार ध्यान नहीं देती है, या उनका है ही नहीं कि लक्ष्य को बस स्टार्ट करना है, उसे पूरा नहीं करना? तो इसके साथ भी कहीं कुछ ऐसा तो नहीं होगा? ऐसा नहीं, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन क्या है, अगर हमारी प्लानिंग जीरो से लेकर एंड तक नहीं होगी तो ये समस्याएं आएंगी। हम किसी को नहीं कह सकते रोक कि तुम पॉलीथीन ना करो, उसको अल्टरनेटिव देना पड़ेगा। अगर आप उनके सामने विकल्प पहले रख देंगे कि देखिए ये विकल्प हैं, आप अगर पॉलीथीन से आपको इतना नुकसान हो रहा है, इससे ये फ़ायदे हैं, और वो उससे कम होना पड़ेगा। उस स्टेज पे जो सरकारी संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट की बहुत बड़ी सपोर्ट होनी चाहिए कि पहले सब्सिडी दे, ये चीज़ों को बढ़ावा दे। जो पॉलीथीन आज बनाते हैं वो अल्टरनेटिव मटेरियल में उन चीज़ों से, वेजिटेबल और इन सब चीज़ों से भी बन सकता है, ऐसी चीज़ों से बनाए जो कि आदमी स्विच ओवर कर सके। अगर आप उसको दूसरा अल्टरनेटिव नहीं दे रहे और बंद कर रहे हैं, तब तो ये होगा ही, चोरी छुपे हुए फिर वो वापस आ जाएगा।
और सर जैसे सर ने बताया कि जो यज्ञ होते हैं ये हमारी संस्कृति को आगे कंटिन्यू रखने के लिए हो रहे हैं, लेकिन सर आपको नहीं लगता है, हमने छोटे से ही साइंस में पढ़ा है, हर किसी भी बर्निंग से CO2 रिलीज होता है और CO2 पॉल्यूशन का एक बड़ा कॉज है। तो आप इतने यज्ञ करवा रहे हैं तो एक तरफ आप पॉल्यूशन कम करा रहे हैं और दूसरी तरफ देखा जाए तो पॉल्यूशन बढ़ भी रहा है इन यज्ञ से, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मैं, मेरा स्पेशलाइजेशन ये नहीं है तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन एक चीज़ है कि कुछ अलग अलग जगहों पे बहुत सी स्टडीज़ हुई हैं जो एरोमेटिक हर्ब होते हैं जो कि यज्ञ वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, वो वातावरण को थोड़ा फ्रेगनेंस देते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ खास चीज़ें हैं जो कि जलाई जाती हैं अगर, तो उसका जो एरोमा निकलता है वो एंटी बैक्टीरियल होता है, वो फ्यूमिगेटिव होता है। जैसे आपने देखा होगा मच्छर मारने के लिए धुआं डाला जाता है, अब आप कहेंगे ये धुआं नुकसान, लेकिन उस धुएं से मच्छर मरते हैं, है कि नहीं? तो ऐसी ही इनमें कुछ चीज़ें होती हैं जिससे कि कुछ एंटी बैक्टीरियल होते हैं वो नुकसान करता है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड जब डायरेक्टली निकलता है वो किसी भी फॉर्म में है वो नुकसान करेगा। तो सर मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि आपने इसमें जब ये स्टार्ट हुआ है तो बहुत सी उम्मीदें लेकर स्टार्ट हुआ है, तो अब क्या लगता है कि आगे इसका क्या रिजल्ट होगा? आप लोगों की उम्मीदें कितनी, आप लोगों की उम्मीदें खड़ी उतरती हैं क्या? आप देखिए भविष्य के बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हमें लोगों का सहयोग चाहिए और हम आप सब लोगों की प्रार्थनाएं भी चाहते हैं कि जो इतना बड़ा मिशन जो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है कि हम उसको पूरा कर सकें और लोगों का सहयोग मिलता रहे, और कहीं भी हमें रास्ते में अड़चने आएंगी लेकिन हम उन बाधाओं को अपने डिटर्मिनेशन, अपने जोश और लोगों के सपोर्ट और जोश से अगर पूरा कर पाएंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे। शुक्रिया।